बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने सरकारी कामों का समय पर भुगतान न होने से अपनी मांगों को लेकर एसडीएम नालागढ़ से मिले। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान ठाकुर ने कहा कि सभी ठेकेदार से उनके काम का भुगतान करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का एम फॉर्म मांगा जाता है। बिना एम फॉर्म के उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं होता है, लेकिन उन्हें कैशर संचालक एम फॉर्म ही नहीं देते तो वह आगे कैसे देंगे, जिससे चलते बीबीएन से सभी ठेकेदारों में सरकार व विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदारों के बिलों पर पहले 12% जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ठेकेदार पहले ही 12% देने में असमर्थ हैं और अब सरकार उसे बढ़ाकर 18% करने जा रही है, जिससे कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा। इस मौके पर जय सिंह, गुरमीत सिंह, बिंदर चंदेल, हरदीप सिंह, निरंजन दास, सुजान खान, भाग सिंह, भूपेंद्र बेदी समेत एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि बीबीएन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन मिला है, संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बीबीएन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नालागढ़, आज हम एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है। जो हमारे साथ आज पेमेंटों में बड़ी दिक्कत आ रही है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो कि हमारे को एम फार्म का बड़ा इश्यू है। क्रेशरों के एम फार्म इन्वायर कर दिया, क्रेशरों के पास एम फार्म है नहीं, वो हमारे को देते नहीं है। विकास के कार्य में बाध्या बहुत आने की संभावना है। हम 15 दिन के बाद काम भी बंद कर देंगे। हमारी करोड़ों रुपए की पेमेंटें फंसी हुई है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टरों का भला हो सके और काम चल सके, नहीं तो हम धरना भी देंगे और काम भी बंद करेंगे 15 दिन के अंदर। अल्टीमेटम दिया है तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से, बहुत जल्दी हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटकाना पड़े, तो इससे पहले ही इसको अपना सरकार अपने संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी हमारा और जीएसटी जो 18% कर रहा है उसको उल्टा 10% पे लाने की कोशिश करें, ताकि 12% ठेकेदार पहले ही प्रॉब्लम में नहीं दे सकते हैं, तो इसको तो सरकार और 18% करने जा रही है, तो इसका भी हमारे विरोध है, विरोध करेंगे इसके बारे में। ठीक, हमारे रॉयल्टी के बारे में आए फार्म जो करोड़ों के मतलब कॉन्ट्रैक्टर के रुके हुए हैं, तो क्रेशर से एम फार्म कम मिलते हैं, काम ज़्यादा हो जाते हैं, माल ज़्यादा आता है, उनके पास इतनी एम फार्म होते नहीं, तो हमारे सारे बिल रुके हुए हैं, हमारे ठेकेदार भाई सारे परेशान हैं। तो इसमें हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल किया जाए। मिला है उन्होंने, इनमें जो एम फार्म है उसके बारे में आ रही कठिनाइयाँ और उससे अवगत कराया, और साथ ही इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जीएसटी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स पर 12-17% कर दिया गया है, तो उसको रोल बैक करने की ये मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं, ये उचित मंच पर सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।